गुड इवनिंग सर, थैंक्स लॉट फॉर कमिंग ऑन दिस एपिसोड. काफ़ी अच्छा लगा कि आप आज आपको होस्ट करेंगे. तो सर, आज आपसे बात करेंगे व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ एमएमए इन अ कंट्री राइट नाउ. वी विल टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. आप कैसे इस फील्ड में आए, अभी तक कितने लोगों को आपने ट्रेन किया है, किस स्टेज पर आपके स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह की सारी बातें आगे करेंगे. तो सर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और बेस्ट होगा कि आप खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दें सर. हेलो एवरीवन. हेलो सिद्धार्थ, मेरा नाम स्निग्ध गौरव है और मैं झारखंड रांची का ही रहने वाला हूँ. जैसा कि आपने बताया कि एमएमए के बारे में, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी समय से स्पोर्ट्स में ही इंडल्ज हूँ और अभी फ़िलहाल मैं ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर्स के साथ साथ फार्मेसी कॉलेज में भी एज अ स्पोर्ट्स फैकल्टी रिक्रूटेड हूँ. तो सर, हम इस बारे में बात करना चाहेंगे कि आप मिक्स मार्शल आर्ट्स और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के फील्ड में आप कैसे आए, आपका क्या मोटिवेशन था और आप कब से इस फील्ड में प्रेजेंट है? 1994 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और मैं सबसे पहले कराटे से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे आगे मैं फिर विंग चुन कुंग फू स्टार्ट किया, फिर वुशु की ट्रेनिंग ली. के बाद ये जर्नी कंप्लीट होने के बाद मैं एमएमए में आया और आज मैं पिछले 4 साल से एमएमए ऑफिशियल्स एज ऑफिशियल्स फेडरेशन से जुड़ा हुआ हूँ. बस पुलिस एमएमए को झारखंड में एज अ कोच मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ. तो सर, एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी ऑब्वियस रहता है कि आज जैसे हमारे जैसे लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं या जो जैसे हम अपने कॉलेज के समय स्टार्ट किए थे, तो हमारे पास काफ़ी ऑनलाइन रिसोर्सेज भी था और हमें पता रहता था कि गूगल पे जाके वन कैन सर्च एंड वन कैन फाइंड आउट कि अच्छा यहाँ कोचिंग चल रहा है, हम कॉन्टैक्ट करते हैं, फ़ोन नंबर्स निकालना काफ़ी आसान होता था. बट 94 में आप बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या डिफ़िकल्टीज आई थी और आप कैसे सब लोगों से कनेक्ट किए थे कि और आपको कैसे पता चला था कि मेरे को कहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, कॉम्पिटिशन्स कैसे कैसे होते हैं, तो सर उस पर कुछ. जिस समय मैं स्टार्ट किया था ना 1994 में, उस समय उतने फैसिलिटीज सोशल मीडियाज में एक्टिव नहीं थे, लेकिन जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, सोशल मीडिया के कवर में आया 2010-11 के आसपास, फेसबुक व्हाट्सएप आए थे. फिर जैसे मैं विंग चुन से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर वुशुस में स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर एमएमए में इंडल्ज हुआ. तो पहले दिक्कत होती थी पहले, लेकिन अभी क्या है कि सोशल मीडिया इतने एक्टिव हैं कि आप कहीं से भी ये इस चीज़ को आप सर्च कर सकते हैं कि बेस्ट ट्रेनिंग कहाँ पे आपको मिल रही है, आप इस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं. सर, जैसा आपने 94 में स्टार्ट किया और स्लोली स्लोली काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पैरेलली में ग्रो कर रहे थे. ऑब्वियसली अगर हम लोग इंडिया अपने कंट्री में बात करें तो ऑब्वियसली हम डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर आज हम क्रिकेट के क्रेज़ की बात करें और मिक्स मार्शल आर्ट्स के अपने कंट्री में क्रेज़ की बात करें, ऑब्वियसली काफ़ी सारे कंट्रीज़ और फेडरेशन हैं जहाँ एमएमए का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है. आज वर्ल्ड फेमस फाइटर्स हैं जिनको हर कोई जानता है, बट हमारे कंट्रीज़ में आपको क्या लगता है कि कितना डिफ़िकल्ट या आसान करियर ऑप्शन है ये और किस किस कठिनाई का सामना करना पड़ता है लोगों को? जी हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो ज़रूर है क्योंकि क्रिकेट जिस लेवल पर है वो शुरू से खेलता चला रहा है, वो इंडिया में भी काफ़ी समय से एक्टिव है और एमएमए ज़रूर ये वर्ल्ड लेवल का गेम है और ये पॉपुलर बहुत है वो आगे वर्ल्ड लेवल पे. इंडिया में भी ये धीरे धीरे अब पॉपुलर हो रहा है. 2012 में जब एमएमए इंडिया में आया था उस समय इसका स्कोप ऐसा नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब ये चीज़ देख रहे हैं कि लोग ध्यान दे रहे हैं और ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं. एमएमए भी एक अच्छा स्पोर्ट्स है और इसमें स्कोप काफ़ी है कि इसमें एथलीट्स अपने कैरियर को ऑप्ट कर सकते हैं. सर, पहला पॉइंट हम लोग बात किए कि पॉपुलैरिटी तो एक चीज़ है, बट अगर हम सिर्फ डेडिकेशन लेवल से भी बात करें, जैसे सर हम जिम भी जाते थे
तो मेरे को जैसे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जब हम एमएमए और वुशु का ट्रेनिंग करते थे और जिम का ट्रेनिंग करते थे तो मेरे को अंतर साफ दिखता था कि जिम करना आप दिन में 2 घंटा जिम कर सकते हैं और वो आसानी से आप कर भी सकते हैं, आपको अगर आप पिछले 1 साल से कर रहे हो 2 साल से कर रहे हो तो पूरे दिन पे फ़र्क नहीं पड़ता था। बट सर जो डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग कार्डियो सेशन ये सब होता था मिक्स मार्शल आर्ट्स में और वुशु में, क्योंकि आप स्पारिंग सेशंस भी करते हो तो ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा डेडिकेशन खोजता है कि आप जब एमएमए के कैंप में जाते हो फाइट से पहले तो एक अलग ही लेवल का डेडिकेशन चाहिए होता है। आप डाइट मैनेज कर रहे हो, आपको वेट भी मेंटेन रखना है अपने कैटेगरी में खेलने के लिए और साथ ही साथ आपको स्किल्स भी डेवलप करना है और फाइट भी करना है बिना इंजर्ड हुए हुए। तो सर आप इस चीज़ में कैसे अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हो? और ऑब्वियसली इंजरीज तो होते ही हैं, सारे प्लेयर्स को इंजरीज होते हैं, तो आपने क्या नोटिस किया है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में अगर कोई करियर बनाना चाहता है तो किस लेवल का सेक्रीफाइस, कैसा डेडिकेशन चाहिए होता है? एज अ कोच आप अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, एक्चुअली होता है क्या है ना कि डेडिकेशन तो ये खोजता ही है, सेक्रीफाइस भी खोजती है गेम। हर गेम में डेडिकेशन होनी चाहिए और होती ही है, लेकिन एमएमए एक ऐसा इवेंट है जिसमें डेडिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा खोजता है और इसमें सेक्रीफाइसेस भी बहुत हैं। फैमिली सपोर्ट नहीं होते हैं, फैमिली सपोर्ट्स नहीं मिलते हैं किसी एथलीट्स को। वो लोग आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के होने की वजह से वो लोग, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो उनको मिलने चाहिए। कुछ डिजर्विंग एथलीट्स भी होते हैं लेकिन जाते हैं, आप कार्डियो सेशन से आप वर्कआउट करते हैं और थोड़ा सा जो 1-1.5 घंटा जो आप जिम में दे रहे हैं, तो उससे 1 घंटे 2 घंटे आप अगर टाइम निकाल कर अगर एमएमए की ट्रेनिंग करें तो आपको एक प्लेटफॉर्म बेहतर मिल सकता है। जैसे कि मैं एक शेयर बात करना शेयर करना चाहूँगा कि हमारे झारखंड के जो एथलीट्स हैं, सूरज पाठक, वो अभी रिसेंटली गोवा में नेशनल एमएमए चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट, वो काफ़ी समय से एक्टिव हैं, शायद 5-6 साल से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे पास। अब वो नेशनल मेडलिस्ट हैं, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्टेड हैं। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सारे लोगों को कि इस एथलीट का जो डेडिकेशन लेवल था वो पर डे 4 घंटे का था और विदाउट मिसिंग एनी सेशन वो ट्रेनिंग करता था। जी ये आपने जिस एथलीट का बात के बारे में बात किया, उनके बारे में कुछ बताइए। वो आपके साथ कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनकी जर्नी, जैसे आपके आपने बताया कि वो 4 घंटे ट्रेनिंग किया करते थे, तो क्या वो स्ट्राइकिंग किकबॉक्सिंग में हैं? उनका बैकग्राउंड क्या था? रेसलिंग बैकग्राउंड से था? उनके बारे में कुछ आप बताना चाहें जिससे दूसरे लोग भी वो मोटिवेट हो एक्चुअली सकें, क्योंकि जो ऑब्वियसली वो नेशनल मेडल अगर उन्होंने जीता है तो इनफैक्ट वी विल ट्राई कि उनको भी एक दिन सेशन में लाया जाए और हम उनसे भी बात करवाएं कि एज समवन हु इज़ कम्पीटिंग राइट नाउ, आप कैसे मैनेज करते हो अपने शेड्यूल को और इंडिया में रहते हुए आपको कैसा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो सर उनके बारे में अगर कुछ। एक्चुअली मेरे सूरज से मुलाकात हुई थी 6-7 साल पहले। वो एक्चुअली मार्शल आर्ट्स करना चाहता था और फर्स्ट डे मुझे बोला था कि सर मुझे एमएमए खेलना है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज है नहीं। तो मैंने उसे यह कहा था कि तुम पहले बेसिक के ट्रेनिंग स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, बॉक्सिंग हो या वुशु हो, कुछ भी हो। वो किक बॉक्सिंग से ही स्टार्ट किया था और धीरे धीरे वो वुशु की तरफ टर्न ओवर हुआ, टर्न अप हुआ, वुशु खेला, वो वुशु में वो नेशनल खेला, फिर वो मेरे पास एमएमए के लिए आया 2018 में और उस समय से ये एक्टिव है और रिजल्ट आपके सामने है। तो सर एक वी विल लाइक टू टॉक अबाउट कि कैसे आप इस करियर में ग्रो कर सकते हो। जैसे कि हम जैसे स्कूलिंग की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट आप हाई स्कूल करो, फिर आप 12th दो, फिर आप अपने मर्जी के कॉलेज में जा सकते हो। तो एमएमए में या वुशु में या बॉक्सिंग में बहुत लोग ये भी पूछते हैं हमसे कि सबसे बेसिक लेवल कंपटीशन वो क्या खेल सकते हैं, फिर किससे मेरे को बात करना पड़ेगा, हम मेरे को कहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा, और फिर जैसे मेरे को अगर एक बोर्ड एग्ज़ाम देना है क्लास 10th का, अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात करूँ तो मेरे को किसी स्कूल के साथ जाके बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो मतलब ये जो फॉर्मेलिटी और पेपर वर्क है। तो उसी तरह अगर किसी को एमएमए में स्टार्ट करना है या पार्टिसिपेट करना चाहता है वो, तो फर्स्ट लेवल क्या है, फिर सेकेंड लेवल क्या है, फिर आपने जैसे बताया कि ऑब्वियसली
नेशनल्स जब सूरज खेलने गए होंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ वैसा परफॉर्मेंस पीछे दिया होगा, तभी आपने देखा कि वो नेशनल खेल सकता है और आपने अपनी टीम से रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें चूज़ किया। तो ये सीढ़ी जो एक है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो वो कैसे होता है इस इंडस्ट्री में? एमएमए एक्चुअली एथलीट्स को दो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, एमेच्योर और प्रो। इसके साथ ही दो प्लेटफॉर्म और प्रोवाइड करती है, स्ट्राइकिंग एमएमए एंड एमएमए। एमएमए एक्चुअली जो गेम होती है वो प्रॉपर लॉकिंग, ग्रैपलिंग, पंचिंग, किकिंग, ग्राउंड एंड पाउंड, एवरीथिंग होते हैं। लेकिन स्ट्राइकिंग में एक फैसिलिटीज आपको ये मिलता है कि इसमें आप ग्राउंड एंड पाउंड ज्यादा नहीं कर सकते हैं, आप स्टैंडिंग गेम ज्यादा खेल सकते हैं। इससे किसी भी तरह के एथलीट्स को एक अपॉर्चुनिटीज, एक मौका मिलता है कि आप अगर किक बॉक्सर हैं, हाई बॉक्सर हैं, वुशु प्लेयर हैं, तो एक बार आप अपने अंदर की काबिलियत को वहां पर देखिए कि आप कितने सक्षम हैं आप एमएमए को आगे ले जाने के लिए या खुद खेलने के लिए। स्ट्राइकिंग एम अगर कोई भी एथलीट्स है वो पहले स्ट्राइकिंग एमएमए से अगर स्टार्ट करता है, उसके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा एमएमए में स्ट्राइकिंग से। और सर आपने जैसे बताया कि आपके जो स्टूडेंट हैं या इन जनरल कोई भी स्टूडेंट है वो अभी जैसे इंटरनेशनल्स खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो उस पर मेरे को दो सवाल है। आप अभी जो आप जिन स्टूडेंट्स के साथ उनको ट्रेन कराते हैं, तो आप उनको इंटरनेशनल लेवल स्टूडेंट्स के साथ कैसे प्रिपेयर करते हैं? जैसे अक्सर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग कैंप्स में अगर आपको जिनसे लड़ना है उनको रेप्लिकेट करने के लिए आप लोगों को बुलाते हैं। मेरे को याद है कि आप पुराने ट्रेनिंग कैंप्स में आप अक्सर लोगों को इन्वाइट किया करते थे जो कि नेशनल चैंपियंस हैं, जब लोगों को स्टेट खेलना होता था, ताकि वो उनको कंपटीशन लेवल का वो बेसिकली जान पाए कि वो कितने पानी में है और उनका खुद का लेवल क्या है। तो अभी जैसे सूरज हैं, उनको एक ऐसे लेवल पे कंपटीशन खेलना है, और अगर कोई भी स्टूडेंट इंडिया में रहते हुए तैयारी कर रहा है प्रोफेशनली किसी प्रो कार्ड के लिए, जो कि पूरे वर्ल्ड से जहाँ एथलीट्स आ रहे हैं, तो वो कैसे अप्रोच करें? क्योंकि वो तो कभी खेले नहीं हैं, मतलब बाहर के ट्रेनिंग शेड्यूल का तो उनको पता नहीं है, तो वो कैसे एक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, और अभी सूरज कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं? ये एक्चुअली एक शेड्यूल बनता है कि जैसे नेशनल लेवल पे ये कंपटीशन होता है, वो एक सिलेक्शन ट्रायल होता है। उसके बाद एक 1 मंथ का इंटरनेशनल कैंप लगता है। कैंप लगता है तो फिर उसमें कुछ एथलीट जो होते हैं, जो पहले परफॉर्म किए हुए होते हैं एशियस लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे, उन एथलीट के साथ ये करंट एथलीट जो हैं, करंट चैंपियन जो हैं, वो उनके साथ थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा फाइट प्रैक्टिस करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं। इससे उनकी जो अंदर के और जो क्षमता है वो बढ़ती है, जिससे वो आगे और अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, और वो करते हैं। सर अगर हम अभी जैसे हमने जितनी भी बातें की वो इससे रिलेटेड थी, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी और एक करियर अप्रोच से रिलेटेड थी, बट अगर मैं पूछूं कि बहुत सारे एथलीट्स को जो स्टार्ट करते हैं एमएमए जर्नी में, प्रॉब्लम ये होती है कि उनका कार्डियो अच्छा नहीं होता है, तो और ये सबसे बड़ा आई ओपनिंग एक्सपीरियंस ये होता है कि लोग अक्सर अपने एड्रेनलिन को लेते हुए या एक एक्सपीरियंस के बिना जब रिंग में जाते हैं, और फर्स्ट चीज़ वही होता है कि अगर हम बॉक्सिंग की बात करें जो 11-12 राउंड्स का होता है, अगर हम एमएमए की बात करें जो 5 मिनट्स के 5 राउंड्स होते हैं चैंपियनशिप राउंड्स, तो वो रिंग में जाने के बाद ही पता चलता है कि कितने जल्दी वी आर गेटिंग टायर्ड, हाउ फास्ट डू वी गेट टायर्ड। तो सर आप अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में कार्डियो इंक्रीज़ करने के लिए, आपका स्टेमिना इंक्रीज़ करने के लिए कैसे आप स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं? सबसे पहले तो अगर वर्कआउट की बात करें तो सबसे पहले बॉडी स्ट्रेचिंग होती है, फिर रनिंग होती है, उसके बाद प्रॉपर वार्म अप होता है जो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का चलता है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन में आते हैं। धीरे धीरे हम लोग उसको प्रैक्टिस जो सेशन चलता है उसको हम लोग स्पीड एंड्योरेंस में ले आते हैं। वो जब तक स्पीड ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक उनमें स्ट्रेंथ स्टेमिना नहीं आएगा, क्योंकि ये गेम जो है वो टोटली स्टैमिना बेस्ड है। ये जब तक आप स्पीड में नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। कॉम्बिनेशंस आपको देना होगा, कॉम्बिनेशंस आपको मिलाना होगा, कॉम्बिनेशन आपको सेट करना होगा। उससे पहले आपको वार्म अप पे ज़्यादा फोकस करना होगा, रनिंग, बॉडी स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, लेग्स का प्रॉपर वर्कआउट, कोर का वर्कआउट, एवरीथिंग।
ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होता है किसी भी एथलीट्स के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए। अगर हम लोग एमएमए की बात करें तो इसके लिए कोर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना ये सब बहुत मायने रखता है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं हर एथलीट्स को यही कहना चाहूंगा कि आप वार्म अप, बेसिक वार्म अप पे जरूर फोकस करें। थैंक यू सर। और इसके बाद हम मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि इंडिया में फैसिलिटीज़ की क्या दिक्कत है और आपको क्या लगता है। बट उससे पहले सर, जैसा आपने कहा कि अभी आप थाईलैंड में भी एक एज एन रेफरी गए थे और अभी गोवा में भी आप जज, चीफ जज थे, तो मेरे को ये बताइए कि थाईलैंड में जब आप कंपेयर करते हो, थाईलैंड में आपको कैसा ऑर्गेनाइजेशन दिखा, वहाँ पे किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, किस लेवल पे इवेंट हुआ, और गोवा में किस लेवल का इवेंट हुआ, वहाँ पे दोनों जगह पे आप आपको क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस लगा, और इन जनरल भी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा थाईलैंड जाकर वहाँ पे फाइटर्स को देख के, उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस दैट। एक्चुअली जब मैं थाईलैंड गया तो वहां पर मैं देखा कि मार्शल आर्ट्स को लेके काफी एक्टिव है लोग, हर चीज के लिए मार्शल आर्ट्स के फील्ड पर बहुत एक्टिव हैं वो लोग। एक डेडिकेट होके वो प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे सेटअप बहुत अच्छा था, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और जैसे मैं इंडिया में आया तो यहाँ पर भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा। वहां पर इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना एज एन ऑफिशियल्स और इंडिया लेवल पे परफॉर्म करना एज एन ऑफिशियल्स, दोनों मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा जर्नी रहा। लेकिन वी कांट कंपेयर विद ईच अदर्स बिकॉज इंडिया लेवल का जो इवेंट है वो एक अलग लेवल पर है और इंटरनेशनल लेवल पे जो इवेंट्स होते हैं वो एक अलग लेवल पर है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया को अगर उस लेवल पर आना है इन द फील्ड ऑफ एमएमए तो वो कंटिन्यूअसली वो ग्रो करते रहे। वो एमएमए जो इंडिया में ग्रोइंग है और इसका स्कोप है, ग्रो कर रही है एमएमए, और आई विश कि वो बहुत आगे जाएगी। जी सर, एक एक आखिरी क्वेश्चन सर पूछना चाहूँगा, और ये शायद मेरे खुद के इंटरेस्ट के लिए भी है कि आपका कोई पर्सनल बायस है क्या सर, जैसे कि डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, जैसे थाईलैंड आप गए तो वहाँ मुए थाई की ट्रेनिंग होती है, बॉक्सिंग है, जैसे आपने स्ट्राइकिंग की बात की, रेसलिंग की बात की, जिजित्सु की बात की, तो क्या आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड में अगर किसी एथलीट का कोई एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड है तो उसको थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज रहता है? हाँ, एडवांटेज रहता है। जैसे कोई भी एथलीट अगर किसी भी मार्शल आर्ट्स के बैकग्राउंड से है, अगर वो फुल कॉन्टैक्ट के बैकग्राउंड से है, जैसे वुशु, आई बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, जिजित्सु, ये इस सब बैकग्राउंड से अगर है तो उसके लिए ये और ट्रेनिंग करना उनके लिए इजी हो जाता है। क्योंकि एक बिगनर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क जरूर है, लेकिन एक एक्सपीरियंस जो पहले से एक्सपीरियंस लेके आए हैं उनके लिए आसान हो जाता है वो ट्रेनिंग करना, क्योंकि वो ऑलरेडी वो किए हुए हैं, बस उनको थोड़ा पुश करना। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल दी बेस्ट फॉर यू एंड योर स्टूडेंट सूरज। वी होप कि जल्दी उनको भी एक एपिसोड में बुलाया जाए, और अगर हो सके तो मैं उनसे मिलना भी चाहूँगा, साथ में एक स्पारिंग सेशन रखना चाहूँगा। ऑब्वियसली वो ऑलरेडी इंटरनेशनल्स का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे को संभाल के खेलना पड़ेगा, बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि उनके साथ एक सेशन रखूँ, और बेस्ट ऑफ लक उनको भी और बेस्ट ऑफ लक आपको भी एज अ कोच उनके लिए, बिल्कुल और उम्मीद रहेगी कि आपसे भी मैं रेगुलर टच में रहूँ आगे भी जब भी। एनी टाइम्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय बाय।